हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी पे क्या करें और क्या ना करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एकादशी पे हमें क्या करना चाहिए। एकादशी पर हमें उपवास करना चाहिए। उपवास का अर्थ क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, उप और वास। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब रहना। किसके निकट रहना? भगवान के निकट रहना, भगवान से अपना संबंध बढ़ाना। तो हमें एकादशी के दिन ऐसे बहुत कार्य करने चाहिए जिससे हमारा भगवान का संबंध बढ़े, हमारा कृष्ण प्रेम बढ़े, कृष्ण भक्ति बढ़े। तो क्या करें एकादशी के दिन? कम से कम 16 माला जप करें। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का कम से कम 1 या 2 घंटा अध्ययन करें, अधिक से अधिक कीर्तन करें, भगवान का अधिक स्मरण करें और एकादशी को सफल बनाएं। एकादशी पे और क्या करना चाहिए हमें? एकादशी के दिन हमें थोड़ा कम भोजन लेना चाहिए। कम भोजन का अर्थ क्या हुआ? या तो आप बिना जल के ले सकते हैं, एकादशी का वास्तविक अर्थ तो यही होता है कि आप बिल्कुल जल ना लें, और अगर ये पॉसिबल नहीं है, कठिन हो रहा है, तो आप क्या करें, फलाहार लें। अगर फलाहार से भी बड़ा कठिन हो रहा है तो आप शाकाहार ले सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि बिना अन्न का लें। अब प्रश्न उठता है कि अन्न क्यों ना लें? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण का जाने का नरक में जाने का मौका लगा। वहां पर बहुत ही कराने की आवाज आ रही थी। भगवान कृष्ण देखा कि लोग इतनी पीड़ा में हैं, तो पाप पुरुष को बुलाते हैं, ये इतनी पीड़ा क्यों हो रही है यहाँ पर? तो पाप पुरुष बोलते हैं, ये तो उनके कर्मों के फल हैं जो उनको प्राप्त हो रहे हैं। भगवान कृष्ण के अंदर एक करुणा जाग उठती है और बोलते हैं कि आज के दिन से जो एकादशी का पालन करेगा वो वैकुंठ चला जाएगा। तो पाप पुरुष बोलते हैं, हे भगवान, अगर सब लोग एकादशी का पालन कर लेंगे तो मेरा क्या होगा? मेरी तो जॉब चली जाएगी और यहाँ पे नरक में तो कोई आएगा ही नहीं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम एकादशी के दिन अन्न में निवास करो। इसलिए बोलते हैं कि दुनिया के जितने भी समस्त पाप हैं वो एकादशी के दिन अन्न में आ जाते हैं। एकादशी के दिन कृपया अन्न ना लें, अनाज ना लें, दाल ना लें, चावल ना लें, और रोटी ना लें, गेहूँ ना लें, बीन्स ना लें, इत्यादि जो भी अन्न की श्रेणी में आते हैं उनको ग्रहण ना करें। एकादशी की तिथि का कब से कब तक पालन किया जाना चाहिए? तो इसको बोलते हैं, एकादशी की तिथि को सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक पालन करना चाहिए। यानी अगर आज आपने एकादशी करी है तो अगले दिन सूर्योदय के बाद आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो आपकी एकादशी दूषित मानी जाएगी। इसलिए एकादशी पूर्ण होने के बाद अन्न लेकर एकादशी को पूर्ण करें। और ये भी हमें जानना है कि एकादशी क्या है। एकादशी एक 11th डे है, 11वीं तिथि है, क्योंकि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में एक बार आती है और पूर्णिमा से अमावस के बीच में एक बार आती है। तो महीने में लगभग 2 बार और साल में 24 बार। तो भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी एकादशी करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की करें या शुक्ल पक्ष की करें, या निर्जला एकादशी करें, या भीम एकादशी करें, या अर्जुन एकादशी करें। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें सारी 24 की 24 एकादशी, जितनी भी एकादशी आती है साल में, सारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं करती, वो नहीं करती, सारी एकादशी का आप पालन करें। तो आप सबसे निवेदन है कि एकादशी को बोलते हैं माधव तिथि। भगवान कृष्ण ने स्वयं इसको अपना नाम दिया, भगवान कृष्ण माधव ने इसको अपना नाम दिया है। तो इसका अवश्य पालन करें। और भक्ति जननी, ये भक्ति की जननी है, मदर ऑफ डिवोशन, आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी आप एकादशी तिथि का पालन करते हैं। यतन पालन करें तो अवश्य पालन करें। तो इस एकादशी जो माधव तिथि है, मदर ऑफ डिवोशन है, इसका अवश्य पालन करें और भक्ति में अग्रसर हों। हरे कृष्णा।